अरे गोकू कहाँ जा रहा है? हाँ वो गेटवे जा रहा हूँ, बस के लिए रुका था। अरे ब्रो मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, चल छोड़ देता हूँ तेरे को। नहीं नहीं मैं रुका हूँ बस के लिए, तू जा। अरे क्या बस, बस कब तक रुका रहेगा, क्या करूँ अभी। लगता नहीं तेरी बस आने वाली है आज, चल छोड़ देता हूँ। मेरी नई बाइक आई है विद न्यू मैकेनिक्स एंड इम्प्रूव्ड इंजन, फास्ट निकलेगी एकदम, ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा और जल्दी भी पहुंचेंगे, क्या बोलता है? नहीं नहीं पक्का आएगी ना तेरी बस, मैं निकलूं? हाँ हाँ आ जाएगी, चल ठीक है, होपफुली तेरी बस आ जाए। हाँ हाँ आ जाएगी, चल बाय बाय। ऐसे ही लोग वेट कर रहे हैं कि BGMI भी लौट के वापस आ जाएगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे ऑग्स हैं यार जो गाड़ी पकड़ के निकल पड़े न्यू स्टेट में, आगे बढ़ते रह रहे हैं यार, बट उस पे आएंगे जरूर। ऑल्सो समथिंग विच आई कांट वेट टू टॉक अबाउट राइट नाउ, 3 हफ्तों से कम में एक इंडियन ऑग इंटरनेशनल लीग का हिस्सा बनेगी, प्लेयर्स भी ब्राजील की तैयारी में लगे हैं, एंड ऑन द ग्रैंड फाइनल डे ऑफ द VCT लॉकिन एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है। लगता है इंडियन ईस्पोर्ट्स के लिए नया चैप्टर शुरू होने वाला है। ये है ईस्पोर्ट्स दिस वीक पावर्ड बाय ग्लोबल ईस्पोर्ट्स। न्यू स्टेट मोबाइल के ढेर सारे चर्चे हैं आज। गेम का पहला मेजर प्रो सीरीज खत्म हो चुका है, टीम एक्सो हैज वन दिस इवेंट भाई, बट हैरानी वाली बात एक है, टीम एक्सो की BGMI रोस्टर ये इवेंट जीती है, न्यू स्टेट नहीं। 21 लाख रुपीज का प्राइस पूल मिला उन्हें, 12 मैचेस में 96 पॉइंट्स के साथ वो ये इवेंट जीत चुके हैं। यार फियर्स, पुकार, सारंग, पंक, भाई इन स्टार्स को कौन नहीं जानता, BGMI की दुनिया में सालों साल खेला है इन्होंने, सालों साल एंटरटेन किया है, बट कभी सोचा ही नहीं था कि BGMI खेलती हुई रोस्टर न्यू स्टेट में कैसे तोड़ रही है। एंड ऐसे अजम्पशंस पे मत चलना कि टीम एक्सो तो ऑलरेडी BGMI खेल चुकी है ना, न्यू स्टेट खेल भी लेगी और जीत भी जाएगी, यार इतना आसान नहीं होता। दोनों गेम्स के बीच में ढेर सारा फर्क है, इंजन अलग है, मैकेनिक्स आर डिफरेंट, गन पैटर्न्स भी अलग है, मेनली एक ही चीज है जो सिमिलर है, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव जो के है टू बी द लास्ट मैन स्टैंडिंग। और जैसे स्पीरो भाई ने कहा अपने स्टोरी पे, वेट करते रहोगे तो रह जाओगे यार। देखो ये सिर्फ एक कास्टर की बात नहीं हो रही है, ऑग ओनर्स और मैनेजर्स भी यही लेके चल रहे हैं कि BGMI के लिए वेट करना बहुत ही बड़ी गलती साबित हो सकती है। आई डोंट थिंक एथलीट्स, क्रिएटर्स एंड ऑग्स शुड रन अ बिजनेस मॉडल ऑन होप, दैट इज जस्ट बैड बिजनेस। But I really want the game to come back, but I don't know. Till the game doesn't come back, I won't believe that the game is back. In fact, India ke sabse chahite mobile esports org, SADUL ki bhi baat kar lo. Team ke manager Sid Joshi ne khud ispe kaha. Even the fact that they are considering switching is, matlab I think aur bhi players is cheez ke bare mein bhi baat karna shuru karenge, right? Because EXO ka jeetna is very good for the new state scene. क्योंकि BGMI के प्लेयर्स जीते हैं, BGMI के एस्पायरिंग प्रो प्लेयर्स भी इस पर ध्यान देंगे, करंट प्रो प्लेयर्स है वो भी इस पर ध्यान देंगे कि 21 लाख रुपए वो लोग जीत गए, राइट? इससे तो काफी क्लियर ही हो जाता है यार, BGMI का पता नहीं है बट न्यू स्टेट चल रहा है, इस पे करोड़ों रुपए के टूर्नामेंट्स भी हो रहे हैं और खुद पब्लिशर उसको पुश कर रहा है, ऑक्स भी इसे हल्के में नहीं ले रहे। लुक मैं भी चाहता हूँ कि BGMI लौट के वापस आए यार, everyone wants that, right? लेकिन वो अगर नहीं आया, what's gonna happen? Why don't we focus on what's right in front of us? New State Mobile, congratulations Team EXO once again. देखो चाहे New State हो या BGMI, अपना focus सही जगह डालने का नतीजा यही है. And speaking of putting your focus in the right place, SK Rossi का interview देखा क्या? Insu Collins के साथ इस हफ्ते. इसमें रॉसी ने VCT lock-in से related सारी चीजों के बारे में दिल खोल के बातें की. Teammates के बीच का relationship, vitality के साथ पंगा, Brazil से teams के expectations. ये सब है इसमें। Anyway, I know हम सब ने परसों ही God Squad का documentary देखा, भाई एकदम pumped up है। पर मुझे आप सबसे एक बहुत ही important सवाल था, comments में मुझे जरूर बताना आपका ये picture में favorite part कौन सा था। भाई 5 साल की मेहनत के बाद ऐसा मौका मिल रहा है यार हमें, ब्राजील के लिए सारे इंटरनेशनल टीम्स की तैयारी जारी है, हमारी वैलोरेंट टीम भी अब ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, 2023 का सर्किट ब्राजील में शुरू होगा, वेलकम टू VCT लॉक इन साओ पाउलो, दुनिया के सबसे बेस्ट 30 टीम्स इसका हिस्सा हैं और आप तो जानते ही हो इसमें हमारे प्लेयर्स भी शामिल है यार, इंडियन प्लेयर्स जिन्होंने अपना करियर साउथ एशिया के डोमेस्टिक सर्किट से शुरू किया। मुझे आज भी वो दिन याद आएगा जिस दिन जी को वैलोरेंट का एक्सेस मिला था, तभी सारे CS प्रोस को वैलोरेंट ट्राई करवाया और आज उसका नतीजा आप सबके सामने।
सच में इंडियन ईस्पोर्ट्स के लिए एक बहुत ही बड़ी जीत है और इंडिया उस स्टेज पे सिर्फ खेलने ही नहीं बल्कि तोड़ के भी आ सकता है। बाकी बोलने की जरूरत नहीं है, वी आर जस्ट अ फ्यू डेज अवे, ब्राजील में देखेंगे जी फाइटिंग। वाकई में इंडियन ईस्पोर्ट्स के लिए एक नया चैप्टर आ रहा है एंड इस जर्नी में हमारा साथ देने के लिए बहुत ही बड़ा शुक्रिया। मोबाइल और पीसी दोनों गेम्स में मौके ही मौके हैं यार, शुरू करो और आगे हमारी टीम्स न्यू स्टेट और वैलोरेंट दोनों की जर्नी फॉलो हमारे सोशल्स पे करना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, चलो बाय। अरे अब तक खड़ा है, आया नहीं तेरा बस? अरे नहीं यार, बोला था ना नहीं आएगा। ये देख मेरी नई गाड़ी, फुल ऑटोमेटिक है, एकदम कंफर्ट के साथ चलती है, स्मूथ एकदम। चल तेरे को ड्रॉप कर देता हूँ। अरे सोच मत भाई, ऐसे ही खड़ा रहेगा, रुके रहेगा तो पीछे रह जाएगा। अगर आगे बढ़ना है तो वक्त के साथ चलना पड़ेगा, जो हो गया सो हो गया। चल ड्रॉप कर देता हूँ। क्या बोलता है, शाम को थोड़ा वैलो हो जाए? हो जाए चलो।